एक जरूरी सूचना, हमारे वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए ही होते हैं। आपसे निवेदन है कि आप इसे सिर्फ एंटरटेनमेंट समझकर ही देखें। किसी भी जाति, धर्म या व्यक्ति का दिल दुखाना हमारा बिल्कुल भी मतलब नहीं है। अगर फिर भी किसी का दिल दुखता है तो यह आपकी अपनी प्रॉब्लम है, फौरन इलाज कराएं। हेलो एक्सक्यूज मी, अगर आप ये चैनल पे नए हैं तो पहले सब्सक्राइब करिए, उसके बाद ये बाजू का घंटा दबाइए, जैसा न्यू वीडियो आते ही खन बोल के बचता है इन्हें। अस्सलाम वालेकुम, वीडियो शुरू करने से पहले गुड न्यूज़ है उन लोगों के वास्ते जो 10th इंटर ग्रेजुएशन करे हुए लेकिन फिर भी जॉब नहीं मिल रहा। अब आप लोगों को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लाउड्स एविएशन एकेडमी आप लोगों को 100% एयरपोर्ट पे जॉब प्लेसमेंट की गारंटी देती। आप लोगों को सिर्फ इतना करना है, क्लाउड्स एविएशन एकेडमी ज्वाइन करना है, 3 महीने का कोर्स करना है, डिप्लोमा लेके सीधा एयरपोर्ट पे जॉब पे लग जाना है। अब तक इनके पास से कितने की लोगों को एयरपोर्ट पे जॉब प्लेसमेंट मिले सो है। और एक खसूसी बात, जो लोग हैदराबाद के बाहर से आना चाह रहे उन लोगों के वास्ते हॉस्टल की फैसिलिटी भी है। नया बैच नवंबर की 2nd वीक से स्टार्ट होने वाला है, लिमिटेड सीटा हैं, जल्दी ज्वाइन कर लो। और मजीद तफसीलात यानी कि ज़्यादा डिटेल के वास्ते डिस्क्रिप्शन में जाइए। आइए वीडियो शुरू करिए। अस्सलाम वालेकुम, गिव मी द कैलकुलेशन बुक। क्या बोले भाईजान? मैं भी जा के ऐसे जाहिल के सामने इंग्लिश बोल रहा हूँ, इसको अगर अमेरिका में भी छोड़ के आना तो वहां के अंग्रेजा हिंदी सीख जाते, लेकिन इसको इंग्लिश समझ में नहीं आती। जाके हिसाब की किताब लेके आ। ये जैकेट आप फटे तक नहीं उतारते क्या तुम लोग? ये जो नए नए जैकेट टी शर्ट शटा पहनने के वास्ते बोलता हूँ मैं तुम लोगों को, ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने के वास्ते, घरों को ले जाने के वास्ते नहीं। जैकेट मैले हो गए, वो कस्टमर कोई भी नहीं लेता, शाम में पैसे ला के दे दो उसके। क्या थोड़ा पेट रखा भैया, घर में रख के आना नहीं रे। ये महीने में भी 10,000 रुपए शार्ट आ रहे हिसाब में, अब ये महीने में भी तुम लोगों की तनख्वाह में से 2,000 रुपए कट। अरे ये तो अच्छी जबरदस्ती है भाई तुम्हारी। ये जबरदस्ती नहीं है, तुम लोगों की लापरवाही है जिसके वजह से हर महीने हिसाब में पैसे शार्ट आ रहे। जाओ भाई जाओ, इससे पहले भी ऐसी बोल के तुम गए थे महीने की तनख्वाह काट ली हम लोगों की, अब मैं 1 रुपया देने वाला नहीं हूँ। जो भी ये महीने की तनख्वाह में से 2,000 रुपए कटाएंगा उन्हें ही ये दुकान में रहने का हकदार है, जो नहीं कटाएंगा उसके वास्ते बाहर के दरवाजे हमेशा के लिए खुले हैं। आगे आप लोगों की मर्जी। और ये जैकेट रात में उतार के जाएंगे तुम लोग? तो मैं बैगन भी काम करने वाला नहीं हो रहे भाई, जा रहा हूँ मैं। कहाँ जा रहा रे भाई थर? अरे नहीं होता रे भाई, हर हमेशा का जा रहा रे भाई, तबियत को तबेला बना ले रहा, हर महीने को 2,000 रुपए काट ले रहा, कौन करते रे भट जा रहा हूँ। 2,000 रुपए काट रहा सही है रे भाई, लेकिन हर महीने अपन भी बहन की शादी भाई की शादी बोल के चार चार जोड़े कपड़े ले लेके चल जा रहे, बंदा फिर भी लाइट ले रहा। और जो तू डेली टिफिन में टी शर्ट डाल के लिख जाता क्या मेरे को नहीं मालूम समझ रहा? अभी ये फुगट के अदा करें या बंद कर, वहाँ काम करेंगे जमकर। अस्सलाम वालेकुम नूर भाई। वालेकुम सलाम मियां, वालेकुम सलाम। कहाँ तू भी है बहुत दिनों के बाद, नाइजीरिया के बैठे क्या? मजाक करने की आदत गई नहीं भाई आपके यहाँ? मजाक नहीं यार, सीरियस पूछ रहा हूँ, तुम्हारे जैसे लोग नाइजीरिया में रहते ना? खैर कुछ भी अच्छे कपड़े लेंगे बोल के आया था मैं। कपड़े लेना है रे? इतना भाई, भाई को कपड़े बता, और वो अंदर रखे हुए नहीं वो वाले बता, महंगे वाले भाई, ब्रांडेड पहनते। हाँ आइए भाई, जबरदस्त आइए। कितने महंगे बताता बता, आज तो तेरे को टोपी पहना के रहता हूँ। आ तो देख लेंगे। आइए देख लेंगे। मैं बोलने वाले उल्टा लटक गए शो है रे, अच्छे अच्छों को टोपी पहना वाला हूँ मैं। बताओ भाई क्या है? भाई बोले कौन सा ब्रांड लेना चाहेंगे आप? दे दो यार, अच्छा तुम्हारे सेठ बोले ना ब्रांडेड बोल के। 199 में बेहतरीन ब्रांडेड है वो, या बताओ। हाँ दो डालो फिर ऐसा है। ये देखिए भाईत्रिन, सिंगल यूनिक पीस है खाली। सेट है चलो। इन्हें सही में महंगे वाले बता रहा क्या? उसको ये कलर पूरी मार्केट में नहीं मिलेंगे आपको। शटा बता दो इन दोनों पॉइंटों के ऊपर। शटा बताओ भाई को।
लाइक थप्पी लो भाई, इस पे ये जमता, इस पे ये जमता, बेहतरीन है। देखो सेट ऐसा बोलते डाल दो कवर में। फिर आइए सेठ के पास आइए। चलिए भाई, माशाल्लाह बहुत बेहतरीन रखे आपके कलेक्शन। वर्ल्ड में कहीं नहीं मिलना आपको ऐसा कलेक्शन भाई के पास रहता। क्या क्या दिया? 199 के दो जीन्सा दिया, 199 के जीन्सा और दो ब्रांडेड टी शर्ट। आप परसों बहुत महंगे जीन्सा पसंद करे आप। आज भी लगा रहे, काफी दबा के शॉपिंग करे आप। 882 रुपए हुए, बाद में दे देंगे। अच्छी बात। अरे भाई कपड़े तो दियो, बाद में जिंगे बोले ना। अरे क्या नूर भाई, भरोसा नहीं है क्या? अरे मैं मेरे सगे भाई के ऊपर भरोसा नहीं करता और तुम्हारे पे कैसे करूंगा? आप भरोसे की बात बोले तो मेरे को एक बात याद आई। जब मैं नया नया कारोबार कर रहा था तो मेरे भाई के पास जाके मैं बोला, भाई मेरे कारोबार में तरक्की करना है, आगे बढ़ना है, मेरे को कुछ पैतरे बताओ, कुछ उसूल बताओ। बोले तो हमारा भाई क्या करा, अंदर स्टोर रूम में से आके बड़ी सीढ़ी लेके आ, मैं फर्स्ट फ्लोर पर चढ़ गया। उसके बाद मेरे को बोला कूदो बोल के, मैं बोला नहीं कूद तो नीचे गिरा तो हाथा पारा टूट जाते, मुंह फूट जाता बोला। तो मेरा भाई बोला, मैं भाई हूँ, मेरे पर भरोसा नहीं है क्या? बोलते बोला तेरे पर भरोसा है तो कूद। बोलते कि मैं कूद गया, दोनों हाथा छीन दिया, भाई हट गया। मेरा भाई मेरे कान में आके क्या बोला मालूम? क्या बोला? जिंदगी में आगे बढ़ने का सबसे पहला उसूल ये है कि अपने सगे भाई के ऊपर भी भरोसा नहीं करना। तो तुम्हारे पे कैसे करूंगा मियां? चल चल। आइए भैया, आपने खास है ना, जरा बेहतरीन कपड़े दिखाओ। आपको ऐसी बेहतरीन पैंट शर्ट दूंगा, आप जैसा वली में एंटर होते कि लोग चीखा मारना करें। भाई हाँ, वली में नहीं, चैलूम में जाना है। ओह नो। ठीक है ना भाई, ले लिया भाई। कितने रे? क्या रे, किसको भी ऐसी बोल देता, कौन कहाँ जा रहा मालूम है तेरे को? ऐसा बोल क्या मालूम रे भाई, कस्टमर नाराज हुआ था ना। मेरे को नहीं मालूम। 1500 रुपये ले लो भाई, 1500 रुपये दे दीजिए। हाँ 1500 रुपये, देख के लगाओ गाड़े भाई। अरे भाईजान आपकी सूरत देख के लगाए, आप रेगुलर कस्टमर है आप हमारे। पहली बार आया भाई मैं तुम्हारी दुकान को, मैं कब बना रेगुलर कस्टमर? अरे वैसा नहीं जी, अब आने वाले दिनों में रेगुलर कस्टमर बनेंगे ना आप। रीजनेबल रेट लगाए तो नहीं बनते क्या? बोला आप आने वाले रेगुलर कस्टमर बोला मैं आप। अरे बहुत हो जाते भाई, 1500 रुपये कुछ कम करो। ठीक है जान दो, चलो 1000 रुपये दे दो चलो। अरे भाई देख के लगाना भाई, भाईजान 1200 की तो खरीदी छे, अब आप रेगुलर कस्टमर बनना बोल के 1000 में दे रहा हूँ मैं आपको। ले लीजिए 1000 रुपये दीजिए आप। ठीक है चलिए चलिए, अस्सलाम वालेकुम। क्या वाले? अरे क्या भाई, 1200 की खरीदेगा 1000 में जा लेगा उसको? क्या मेरे को पागल कुत्ता काटा, 1200 में लाके 1000 रुपये में बेचने? नहीं मैं जनता की सेवा करने के यहाँ बैठा, 600 रुपये की खरीदी है 1500 बता के 1000 में दियो। झूठ पे कारोबार चल रहा है आजकल। क्या बात है, नहीं काम करवा। लेविस स्पाइकर वैंगर जैकेट जॉन ज़ारा लीकॉपर गैप फ्लाइंग मशीन टॉम हिल्फिगर बिंगुमा सुपरड्राई शर्ट टी शर्ट जींस नॉर्मल जींस कॉटेज जींस फॉर्मल जींस डेनिम जींस बर्बरी अरमानी पठानी शेरवानी एडिडास नाइक यूएस पोलो एलपी पुमा पैन अमेरिकन पीटर इंग्लैंड आल्सो अवेलेबल शर्ट टी शर्ट 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 पैंट शर्ट पैंट शर्ट इसका बटन कहां है रे कहीं का भाई ये चालू हो गया तो बनने वाला खटका कहां है इसका भाई इसका बटन नहीं है जी इसको धक्के से ऑफ करना पड़ता कैसा अस्सलाम वालेकुम सर वालेकुम सलाम क्या कर रहा है ये सर बताने की प्रैक्टिस कर रहा था सर मेरे को एक बात बोल तू जब तेरी दुनिया में आमद होने वाली थी तुम्हारे बाबा तुम्हारे अम्मा को फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म दिखाने ले गए थे क्या क्यों सर फास्ट जाते रहे तो हमेशा कभी कभी स्पीड ब्रेकर भी आता बीच में तो हल्लू होना पड़ता हमेशा फास्ट रहना अच्छी चीज नहीं है अच्छी बात मुंह धो क्या अच्छी बात है ये भी माला डाल ले तो एंटीक दिखते हैं भाई दुकान से ज्यादा माल तुम्हारे आंग में दिख रहा कस्टमर को क्या बेचेंगे अपन
ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हो रे? मेरे हाथों में नौ नौ पट्टे है, आमा रखो खा खरियों से खट्टे। ऑनलाइन बिजनेस कर रहा हूँ, रोड पे निकलता हूँ, कोई भी देख के बोलता भाई माला अच्छा दिख रहा, उतार के देता हूँ 300 बोल। क्या बिजनेस कर रहे भाई? ऐसे ही करते बेटे हम, जाओ काम करो। खाली क्या है भाई, क्या है भाई? कैसे ट्रायल रूम में दो दिन से तो मैले चटिया लटक रहे, कोई तो भी कस्टमर खरीद के छोड़ के भूल के चले गया शायद। तेरे को आते क्या देख? क्या बोल रहे भाई जान, गली सारे चटिया तुम ही पहनो। भाई कल ही ट्रायल कर लिया बोल के आज तेरे को पूछ रहा हूँ। वालेकुम सलाम भाई जान, वालेकुम सलाम। चाय मंगा पानी? अरे बिरयानी लेके आ साहब, भाई पैसे लेके आ रहा हूँ साहब तुम्हारे पास। ये तुम्हारे झूठे मोहब्बत आ नको, एक खास इन्फॉर्मेशन देने आया तुम्हारे को। क्या है? वहाँ पीछे गली में तुम्हारा गोदाम है। हाँ, तीन दिन हुआ लेके। वो परसों तो 2.5 लाख का माल उतारे सो। हाँ, 8 लाख के जल गया उधर पूरा। बताइए आप क्या लेंगे, चाय पानी क्या लेते बोलिए आप। अफसोस अफसोस, कुछ नाम की चीज नहीं, अफसोस नहीं हो रहा तुम्हारे को माल जल गया तो? अफसोस नहीं हो रहा भाई जान, फिर एहसास हो रहा मेरे को, एहसास हो रहा कि मैं जिंदगी में क्या कर रहा हूँ बोल के। ये बात का एहसास हो रहा कि लोगों के साथ मैं बुरा करा तो मेरे साथ भी बुरा होगा ही बोल के। सुबह से शाम तक मैं लोगों को झूठ बोल बोल के 100, 50, 200, 500 कर करके पैसे जमा करा था, एक ही झटके में चले गए थे। सही बोलते बड़े लोग, बुराई का अंजाम बुराई होता बोल। और ये बात भी 101% सही है कि झूठ बोलने से इंसान का रिस्क कम और हयात कम। रिस्क तो कम हो गया, इससे पहले हयात कम हो ये कामा छोड़ देता हूँ। आज के बाद कभी कोई ग्राहक से 1 रुपया नाजायज बढ़ के ले लूंगा, जो आमदनी कमाने का है उतने लूंगा, और आपके पैसे कल ले लीजिए आप। अरे आप मेरे आँखा खोदा ले नूर साहब। और आप भी जो है एक छोटा मशवरा देता हूँ, आप भी जरा मिट्टी का कारोबार बंद कर दो। आपके तरफ से कई लोगों के घरों में चूल्हे नहीं जल रहे, कई लोगों की हाय बदबू में देखे ना, आपके घर में 3 जने बीमार है कंटिन्यू 3 साल से। नहीं कहूंगे सोचे कभी आप, हराम का पैसा हराम में जाता शूटर में। आप एहसास करो जरा, लोग कितनी तकलीफों से पैसे कमा के लाके तुम्हारे मिट्टिया बनते, फौरन छोड़ दो शूटर में ये कामा तुम भी। आपके अल्फाज मेरे आंखा खोल दिए नूर साहब, आप जो मेरे 50,000 रुपए देना है ना वो माफ, आज के बाद कारोबार बंद मिट्टी का। शुक्रिया नूर साहब, शुक्रिया। आपके इरादे में आपको कामयाब करे। बहुत बहुत शुक्रिया नूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह इसका अजर देंगे आपको। बुरे काम से बचिए, अच्छे काम करिए, आगे आपकी मर्जी। अस्सलाम वालेकुम।